लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम मेडिटेशन आसना की फिफ्थ एपिसोड में देखने जा रहे हैं सिद्ध योनि आसना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एकम्प्लिश्ड पोज फॉर वुमेन। मुझे उम्मीद है आपने सिद्धासना एकम्प्लिश्ड पोज फॉर मेन, जो कि हमारे फोर्थ एपिसोड है इसी श्रृंखला की, आपने देख लिया होगा। और अगर नहीं देखा होगा तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगा, आप देख सकते हैं। तो इस एपिसोड में मैं सिर्फ स्टेप्स की बात विशेषकर करने जा रहा हूं, जहां जो फर्क है वुमेन के लिए स्लाइटली डिफरेंस है, यही पहलू को मैं यहां कवर करने जा रहा हूं। वो सारे लाभ मिलने जा रहे हैं, बिल्कुल बराबर ही है। स्टेप्स की बात करते हैं तो आइए हम करके दिखाते हैं। शरीर के सामने ही अपने दोनों पैरों को सीधा फैलाकर, यानी कि दंडासन में आकर प्रारंभिक स्थिति में बैठ जाएंगे और अपने दाहिने पैर को मोड़ते हुए उसके तलवे को बाएं जांघ के भीतरी भाग में सटाकर रखेंगे। दाहिने एड़ी को योनि के भगस्ट के भीतर जमा कर रखेंगे। शरीर को एडजस्टमेंट कर आरामदायक स्थिति में ले आएंगे और साथ ही दाहिने एड़ी के दबाव को महसूस करेंगे। बाएं पैर को मोड़ेंगे और बाईं एड़ी को इस प्रकार सीधे दाहिनी एड़ी पर रखेंगे कि वह जेनिटल के ऊपर रहे। बाएं पैर की अंगुलियों को दाहिने जांघ और पिंडली के बीच इस प्रकार रखेंगे कि वह जमीन का स्पर्श करने लगे या फिर जमीन के बिल्कुल निकट पहुंच जाए। दाहिने पैर की अंगुलियों को पकड़कर बाईं पिंडली और जांघ के बीच के स्थान के ऊपर हम उसे सेट कर देंगे और फिर से अपने शारीरिक स्थिति को एडजस्टमेंट कर अपने शरीर को, अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल बना लेंगे। और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि घुटने दोनों नीच हमारे दृढ़ता पूर्वक जमीन पर जमे हुए हैं, हमारे स्पाइन पूरी तरह से सीधा अपराइट और स्ट्रेट दंडवत हो, जैसे कि दृढ़ता से जमीन में गाड़ दिया हो। इस तरह से हम शिथिलता भी महसूस करेंगे और अपने दोनों हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा या चिन्मय मुद्रा, किसी भी मुद्रा जो आपको सुविधाजनक लगे, उसमें हम रखकर अपने आंखों को बंद करते हुए पूरे शरीर को शिथिल बनाते हुए हम प्राणायाम प्रारंभ कर सकते हैं, ध्यान में जा सकते हैं। और अगर इसके कंट्राइंडिकेशन की बात की जाए मित्रों, तो जो साइटिका या घुटने के दर्द या कमर के दर्द से ज्यादा परेशान है, स्पाइनल डिसऑर्डर है, तो उनके लिए यह करना सही नहीं हो। और अगर इसके लाभ की बात की जाए तो यह बिल्कुल सिद्धासन जैसा ही लाभ दिलाता है। यह ऊर्जा को निम्न चक्रों से ऊपर की ओर प्रवाहित करते हुए, जो कि मस्तिष्क को स्टिमुलेट करता है और हमारे संपूर्ण तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। और इसके कारण हम मेरुदंड के निचले भाग और उदर में रक्त संचार को भी हम रेगुलेट चुकी कर रहे हैं, तो मेरुदंड के कटी प्रदेश, श्रोणी और अमाशय के अंगों को भी यह पोषित करता है। यह प्रजनन संस्थान और रक्तचाप को भी संतुलित करता है। इस तरह से यह बड़ा ही लाभप्रद होता है। मुझे उम्मीद है कि यह महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला शुद्ध सिद्ध योगी आसन एकम्प्लिश्ड पोज करेंगे और इसके संपूर्ण लाभ उठाएंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए
सप्रेम धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से।